गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, येस्टरडे वी हैव एक्सप्लेन यू लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ टूडे वी एक्सप्लेन यू मेजरिंग एन एंगल, कि हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जस्ट एज वी हैव अ स्केल टू मेजर अ लाइन सेगमेंट, जिस तरह हमें लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए स्केल चाहिए होता है, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए प्रोट्रैक्टर टू मेजर एन एंगल। उसी तरह से हमें ये प्रोट्रैक्टर की जो है ज़रूरत होती है जब हमें एंगल का मेजरमेंट करना होता है। कोई भी अगर हम एंगल को मेजर कर रहे हैं तो उसको हम सिर्फ प्रोट्रैक्टर की हेल्प से ही मेजर कर सकते हैं। सो वी फाइंड दिस इंस्ट्रूमेंट इन आवर ज्योमेट्री बॉक्स, हमें ये अपना इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। एंड आई होप यू ऑल हैव ज्योमेट्री बॉक्स, आप सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स होंगे। सो आज हम इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। सो द स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 115 इन योर बुक। इस बुक में आपके इस चैप्टर में पूरे प्रोटेक्टर उसी टाइप से जो है ड्रॉ किए हुए हैं, इसी के थ्रू मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। द प्रोटेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क। प्रोटेक्टर जो है वो हमें किस फॉर्म में मिलता है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल। देखिए आप, द शेप ऑफ दिस प्रोटेक्टर इज लाइक अ सेमी सर्कल। इट हैज़ टू एजेस, इसकी टू एजेस होती हैं, एक ये और एक ये। नाउ ए कर्व्ड एज एंड इट हैज़ टू एजेस, इसकी टू एजेस होती हैं, दिस एज, दिस इज स्ट्रेट एज एंड दिस इज कर्व्ड एज। दो एजेस हैं, ये हमारी कर्व्ड एज है और ये वाली हमारी स्ट्रेट एज है। द सेंटर ऑफ द स्ट्रेट एज इज इन द मार्क विद ए डॉट। ये देखिए, ये जो सेंटर है इसके बीच में एक मार्क से डॉट मार्क किया हुआ है। द स्ट्रेट एज इज कॉल्ड द बेस लाइन। ये जो हमारी स्ट्रेट एज है इसको हम क्या बोलते हैं? बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर की जो है वो बेस लाइन होती है। द कर्व्ड एज इज ग्रेजुएटेड विद नंबर्स फ्रॉम 0 to 180। ये जो हमारी जो कर्व्ड वाली जो एज है, ये इस पर हमारे 0 से लेकर और 180 तक पूरे नंबर्स मार्क होते हैं, दोनों तरह से, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। ये देखिए, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज भी हमारे यहाँ पर इसमें मार्क है नंबर, और यहाँ पर हमारे सारे क्लॉकवाइज भी मार्क हैं, दोनों तरह से हमारे नंबर्स मार्क हैं। दिस इज़ द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एंड दिस इज़ द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर। देर आर टू एजेस, वन इज स्ट्रेट एज एंड सेकेंड इज कर्व्ड एज। सो द कर्व्ड एज इज, नाउ द एंगल आर मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड डिग्री। एंगल्स को जब हम मेजर करते हैं, जिस यूनिट से मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं डिग्री। सपोज अगर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम 90 नहीं लिखेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो उसको हम क्या लिखेंगे? 45 डिग्री। इस डिग्री वाले सिंबल से ही हमें पता लगता है कि हमको एंगल्स ड्रॉ करने हैं। 1 डिग्री इज रिटन एज 1, अगर हमें 1 डिग्री लिखना है तो हम लिखेंगे 1 डिग्री। 10 डिग्री लिखना है तो 10 लिख के उसके ऊपर ये डिग्री का जो स्मॉल छोटा सा एक हम जो सर्कल बना देते हैं, दिस इज द साइन ऑफ डिग्री या दिस इज द मार्क ऑफ डिग्री। वॉट इज डिग्री? अब हमें ये पता होना चाहिए बेटे डिग्री क्या होती है। इफ वी डिवाइड अ सर्कल इंटू 360 इक्वल पार्ट्स, अगर सपोज हमने एक ये सर्कल बनाया है, दिस इज ए सर्कल, इसको हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट, यहाँ से हमने स्टार्ट करा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक ये 180 आ गया तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी। अब यहाँ से 180, 181 से यहाँ पर आ गया तो ये 360 हो गया। तो ये 360 डिग्री जो है हमारे इक्वल पार्ट्स कितने हो जाते हैं इसके? 360 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट्स फॉर्म 1 डिग्री एंगल। हर एक पार्ट जो है वो 1-1 डिग्री का एंगल है। तो टोटल हमारा कितना, ये सर्कल जो है वो हमारा 360 डिग्री का बन जाता है। सो दस कंप्लीट एंगल इज कॉल्ड 360 डिग्री। कल मैंने आपको बताया था कंप्लीट एंगल, व्हाट इज कंप्लीट एंगल? 360 डिग्री एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन राइट एंगल? अब राइट एंगल में बताओ बेटे कितनी डिग्री होती है? लुक हियर, ये कल मैंने राइट एंगल बनाया था तो यहां पर आ गया हमारा राइट एंगल 90 डिग्री। दिस इज 90, दिस इज 180, ठीक है। सो हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन राइट एंगल?
90 डिग्री। फिर हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल्स में हमारी कितनी डिग्री होती है, 180 डिग्री, यानी 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 90 दिस एंड 90 दिस। सो द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल की मेजरमेंट क्या होती है हमारी, लेस देन 90 डिग्री। ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री से ग्रेटर होता है बट लेस देन 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री से लेस होता है। एंड राइट एंगल इज 90 डिग्री, और हमारा राइट एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बताएंगे कि अब हमें एंगल्स कैसे ड्रॉ करने होते हैं, हाउ वी ड्रॉ एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। सो नाउ स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ टू मेजर अ गिवन एंगल विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर, कि ये जो एंगल हमारा बना हुआ है इसको हम किस तरह से विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम कैसे मेजर करेंगे। सो सबसे पहले बेटे लुक एट द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर, सबसे पहले हम प्रोटेक्टर की बेस लाइन को देखेंगे। इट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, इट मेक्स अ स्ट्रेट एंगल, ये कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, स्ट्रेट एंगल। Why? Because it is of the measure of 180 degree, क्योंकि इसका measurement 180 degree है। यहाँ से देखिए ये zero से start होकर और यहाँ पर आकर हमारा जो है end हो रहा है, so this is 180 degree angle। It is for this reason that the curved edge जो है हमारे protector की जो है is graduated with the number from 0 to 180। ये जो curved जो shape है ये हमारी zero से start होकर और 180 तक आती है। और हमारे जो प्रोटेक्टर में जो है बेटे देर आर टू रोज ऑफ नंबर्स अलोंग द कर्व्ड एज, ये जो कर्व्ड एज है इसमें जो जीरो से लेके 180 नंबर्स, 180 तक के जो नंबर्स हैं इनकी टू रोज होती हैं। देखिए एक ऊपर वाली फर्स्ट रो है, एक ये नीचे वाली हमारी सेकंड रो है। दीज आर द अपर रो, ये जो ऊपर दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे, अपर रो, और जो अंदर वाली है इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर रो। इन द अपर रो, जो अपर रो है नंबर्स आर रिटन इन क्लॉक वाइज, अपर रो में देखिए यहाँ से जीरो स्टार्ट है तो नंबर्स जो है हमारे सब क्लॉक वाइज है, 0, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 पूरा 180 तक, तो दिस इज क्लॉक वाइज नंबर्स। और इन लोअर रो में जो हमारे नंबर्स हैं वो सब हमारे एंटी क्लॉक वाइज हैं। एंटी क्लॉक वाइज मीन्स यानी अंदर से स्टार्ट है और जीरो हमारा यहाँ से स्टार्ट है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये देखिए 180 यहाँ आ गया। तो हमारे अपर रो वाले नंबर्स जो हैं वो क्लॉक वाइज होते हैं और जो लोअर रो वाले नंबर्स हैं ये हमारे एंटी क्लॉक वाइज होते हैं। अब हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बताएंगे आपको कि द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज व्हाट, क्या है इसका मेजरमेंट। सो स्टूडेंट्स, ए बी सी, दिस इज द एंगल, द नेम ऑफ दिस एंगल इज ए बी सी, ये एक एंगल है इसका नाम है ए बी सी। अब हमें इसको मेजरमेंट करना है, हमारा मेजरमेंट ये है कि ये एंगल हमारा है कितने डिग्री का है। सो अब हम क्या करेंगे, वी प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन द गिवन एंगल। सपोज दिस इज द प्रोटेक्टर, हमने इस प्रोटेक्टर को देखिए यहाँ पर प्रोटेक्टर बना है, मैं आपको अपने प्रोटेक्टर से भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब हमने एंगल इस अपने प्रोटेक्टर को कहाँ रखा, वी प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन द गिवन एंगल, गिवन एंगल पे हमने प्रोटेक्टर को रखा जहाँ पर ये बी है, बी इज द वर्टेक्स, क्योंकि बी जो है वो कॉमन पॉइंट है जिस पॉइंट से हमारी ये दोनों ए और सी, बी सी और बी ए दोनों रेज जो हैं वो बी पॉइंट से ही हमारी स्टार्ट हो रही हैं। सो स्टूडेंट्स, बी वाले बेस पे हम इसको प्रोटेक्टर को अपने रखेंगे इन सच अ वे दैट इज़ द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर, ये हमारे प्रोटेक्टर का सेंटर हो गया। फॉल्स ऑन द वर्टेक्स, सेंटर को हमने कहाँ पर रख दिया, बिल्कुल वर्टेक्स पे, ये देखिए ये डॉट यहाँ पर भी देखिए, ये बीच वाला डॉट है बिल्कुल यहाँ पर, ये हमारा यही ए बी सी वाला ये जो एंगल है यहाँ पर भी ड्रॉ है, इसके ऊपर भी देखिए प्रोटेक्टर रखा हुआ है। यहाँ पर बी जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ पर हमने बिल्कुल यहाँ पर इसको प्रोटेक्टर को उसके ऊपर रखा है वर्टेक्स के ऊपर। एंड द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर फॉल्स ऑन द आर्म बी सी, और जो बेस लाइन है वो हमारे प्रोटेक्टर का जो आर्म, जो ये जो आर्म है बी सी वो बिल्कुल बेस लाइन के ऊपर आ रहा है, ये देखिए ये वाला। सो द जीरो मार्क इन द लोअर रो, अब लोअर रो पे हमें क्या दिख रहा है, इस बेस लाइन पे सबसे पहले जीरो दिख रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर भी जीरो बना हुआ है, यहाँ पर अब हमको जीरो दिख रहा है। वी लुक इन द लोअर रो ऑफ द मार्किंग, अब हम कहाँ किसको देखेंगे, वी लुक इन द लोअर रो, जो नीचे वाली रो है उसको देखेंगे, उसकी मार्किंग को हम देखेंगे। टू फाइंड एट व्हाट नंबर द ऑफ द आर्म बी ए,
अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, ये वाला बी ए, ये जो ए पॉइंट है ये ए हमारा कहाँ, बी और ए पॉइंट कहाँ पर जा रहा है, बी तो हमारा ये है और ए पॉइंट हमारा ये है। अब हम इसमें लोअर नंबर में हमको चेक करना है, अपर नंबर में नहीं करेंगे हम, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अपर नंबर में हम उनको चेक करते हैं जो एंगल्स हमारे लेफ्ट साइड से ओपन होते हैं, या ओके जो लेफ्ट साइड से ओपन होते हैं उनमें हम इस तरह से करते हैं। यहाँ पर हमारा ये, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोअर साइड देखिए, लोअर साइड में कौन सा नंबर आ रहा है हमारा 40, लोअर साइड में देखिए ये क्या दिख रहा है हमारा, देखिए वी लुक इन द लोअर रो ऑफ द मार्किंग टू फाइंड एट व्हाट नंबर द आर्म बी ए द गिवन एंगल क्रॉसेस इट, ये एंगल किसके ऊपर से क्रॉस हो रहा है, इन दिस केस दिस मार्क इज 40, ये कौन सा मार्क आ रहा है 40, सो वी से द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज 40 डिग्री। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये जो मेजरमेंट है ए बी सी का, बी ए सी का या ए बी सी बोलेंगे, कभी भी हम इसको बी ए सी नहीं बोलेंगे, बिकॉज वर्टेक्स इज ऑलवेज कम्स बिटवीन, वर्टेक्स जो है वो हमेशा बीच में आता है, आप एंगल इसको बी ए सी नहीं इसको बोलेंगे हम एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए, वर्टेक्स जो है वो हमारा हमेशा बीच में आएगा। सो वी से द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये देख लीजिए बिल्कुल 40 डिग्री पे साइन आ रहा है ए का, और एंगल को हम कैसे शो करते हैं, दिस साइन मीन्स एंगल, इसका मतलब है कि ये एंगल का साइन है, और कौन सा एंगल है ये हमारा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री 40 डिग्री, एंगल ए बी सी हमारा कितने डिग्री का हो गया 40 डिग्री का। सो नाउ स्टूडेंट्स टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट स्टेप, आज मैंने जो आपको स्टेप बताया है वो एंगल्स का बताया है जो एंगल्स राइट साइड से ओपन होते हैं, अब दोज एंगल्स हु ओपन फ्रॉम द लेफ्ट साइड उनको हम किस तरह से मेजर करते हैं, देन दिस एंगल्स वी एक्सप्लेन ऑन टुमारो। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।